हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल सेवई, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, पर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये फ्रूट कस्टर्ड सेवई है, ये बहुत ही यमी लगता है। इसे ठंडा ठंडा आप सर्व करें, इस गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है ये। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम 2 चम्मच घी ले लेंगे। आप इसे फॉर्चून ऑयल में भी बना सकते हैं, पर यह घी में ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी ले लूँगी। इसमें मैं सेवई, ये 1 कटोरी से आधी कटोरी मैंने ऐड की है। इसे अच्छे से हमें जो है रोस्ट करना है। देखिए, इस तरह से हमें चलाते हुए इसे गोल्डन होने तक अच्छे से रोस्ट करना है। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए, इस तरह से हमें इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब ये अपना कलर धीरे धीरे से चेंज कर लिया है। देखिए, ये अच्छा सा गोल्डन हो गया है। बस, तो अभी हम इसी में डालेंगे अपनी उसी कटोरी से 2 कटोरी जो है इसमें दूध ऐड करेंगे। हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद के अनुसार आप अपनी चीनी ऐड कर लें, जितना आपको मीठा पसंद है। ये सेवई पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 4 से 5 मिनट में बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो जाता है ये सेवई। तो देखिए, मैं अभी आपको चेक करके बता रही हूँ। इसे पकने में अभी हमें लो फ्लेम पे इसे 1 से 1.5 मिनट और पका लेंगे, जब तक हम अपने कस्टर्ड पाउडर का एक घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं आधी कटोरी दूध में जो है 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। मैं यह थोड़ा सेवई बना रही हूँ, आप अपने सेवई के क्वांटिटी के हिसाब से डालें। बस इस घोल को हम अपने सेवई वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। बस हमें इस मिक्सचर को डाल के 1 से 2 मिनट और पकाना है। ये बहुत ही अच्छे से थिक हो जाएगा। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है, इसका टेक्सचर भी ठीक हो गया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये फ्रिज में बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। देखिए कितना ठीक हो गया है, बहुत ही अच्छे से चिल्ड हो गया। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये सेवई बहुत ही यमी बन के तैयार होता है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और हम इसे फ्रूट से गार्निश कर देंगे। ये बहुत ही सुंदर देखने में लगता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आप अपने पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं यहाँ। तो बस ये देखिए कितना जो है थिक और कितना मज़ेदार ये बन के रेडी हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।